गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम IRCTC एप्लीकेशन का यूज करके यहां पे हम टिकट कैसे कट कर सकते हैं एंड आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूं, पूरा कट करके यहां पे दिखाने वाला हूं कि कैसे आप टिकट कट कर सकते हो। प्लस कोई भी यहां पे आप गाड़ी को सर्च कर सकते हो कि उस रूट में आपके लिए गाड़ी ट्रेन अवेलेबल है या नहीं है, उसमें आपके लिए सीट अवेलेबल है या नहीं है। सो आज की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए एंड आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाओगे। तो देखो, मैं बेसिकली टिकट कट करने के लिए IRCTC एप्लीकेशन का यूज करता हूं, जिस पे मैंने ऑलरेडी आईडी अपना क्रिएट कर रखा है। आपको नहीं पता कि IRCTC का आईडी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को इस टॉपिक पे एक वीडियो दे दूंगा, पूरा एक्सप्लेन वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ओपन करते हैं, यहां पे मेरा पासवर्ड मांगा जाएगा। ऑलरेडी यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओके करने का, अलर्ट या वैक्सीन के लिए, तो आपको ओके कर देना है। आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पे लॉगिन का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ, ये मेरा यूजर आईडी है। यहाँ पे सिंपल सा पिन डालना है एंड ये कैप्चा इधर फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लॉगिन कर लिया, यूजर वेरीफाई हो चुका है मेरा, आप लोगों सामने यहाँ पे देख लीजिए। एंड उसके बाद अगर आपको ट्रेन चेक करना है तो यहाँ पे देख लीजिए, प्लान माई जर्नी का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका कोई बुकिंग है तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, अगर आपका PNR चेक करना है तो यहाँ से कर सकते हो। रिफंड हिस्ट्री आपका ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अभी मेरा यहाँ पे कोई भी बुकिंग नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मेरा एक टिकट कैंसिल किया था तो उसका मेरे को रिफंड आ चुका है। अब रह गया कि हम टिकट न्यू बुक करना चाहते हैं, तो सिंपल सा प्लान माई जर्नी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आपको कहाँ से कहाँ जाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेरे को बुक करना है अपने यहाँ पे दोस्तों के लिए बोल सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक टिकट बुक करना है छपरा से पूना जंक्शन, तो सिंपल सा इस साइड में आपको फ्रॉम टू यहाँ पे छपरा डाल देना है। जो भी आप स्टेशन है, आप गोरखपुर से जाना चाहते हो, दानापुर से, पटना, दिल्ली से जाना चाहते हो, कहीं से भी जाना चाहते हो, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ये देख लीजिए छपरा हो गया। एंड उसके बाद पूना जंक्शन जाना है तो यहाँ पे टू, फ्रॉम टू यहाँ पे डाल देंगे तो पूना जंक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेट सेलेक्ट करना है, कौन से डेट को आप जाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 18 पे क्लिक करता हूँ, 18 से आगे का ही डेट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक टिक आपको यहाँ पे ये करना जरूरी है, फ्लेक्सिबल डेट आपको देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके सर्च है ट्रेन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को अलग डेट का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि अलग डेट में टिकट अवेलेबल रहेगा तो वो शो कर देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ट्रेन निकल के आ चुका है, ये ट्रेन नंबर है। एंड यहाँ पे देख लीजिए, दरभंगा टू पुणे स्पेशल आपको ये ट्रेन देखने को मिल जाएगा, छपरा से यहाँ पे पुणे जंक्शन का है। ये एवरी फ्राइडे को देखने को मिल जाता है, यह ट्रेन सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 2S में अभी वेटिंग है 58। तो अदर में हम अदर डेट पे क्लिक करेंगे तो नीचे में अदर डेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, अभी 18 यहाँ पे 18 जून है, उसके बाद अगले फ्राइडे 25 जून है एंड उससे अगले तो यहाँ पे 2 जून है, वो 2 जुलाई है, जून नहीं है, सॉरी जुलाई है। तो यहाँ पे हमें 25 जून का ही निकालना, 25 जून पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में देख लीजिए, यहाँ पे पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन मिलेगा और एक पैसेंजर का 4 यहाँ पे देख लीजिए 435 मतलब 435 रुपीज़ का यहाँ पे आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है। पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करने के बाद एक आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, आपको अभी बताया जा रहा है कि तत्काल यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ओके पे क्लिक कर देना है। आप लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आपके साथ में चिल्ड्रेन है तो उसका भी डिटेल यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका बोर्डिंग जो स्टेशन है वो यहाँ पे छपरा है, मतलब आप छपरा से ट्रेन पकड़ना चाहते हो। एंड नीचे में यहाँ पे ऐड पैसेंजर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को पैसेंजर का पूरा डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है, जितना भी पैसेंजर ऐड करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल नंबर, नीचे में यहाँ पे देख लीजिए आपको बताया जा रहा है कि आप बुक करना चाहते हो अदर परफॉर्मेंस के लिए तो कर सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में ये आपको देखने को मिलेगा एड्रेस, ये एड्रेस आपको रिक्वायर्ड है, फर्स्ट आपको डालना पड़ेगा एड्रेस, पिन कोड, सिटी आपका, स्टेट एंड पोस्ट ऑफिस जो भी रहेगा। उसके बाद आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हो देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है UPI भीम से या नहीं तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू जर्नी डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे चेक कर सकते हो। तो चलिए पूरा डिटेल हम फिल कर लेते हैं। एड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैसेंजर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए सेम इसी तरह। एंड दोबारा हम यहाँ पे 4-5 नाम ऐड कर सकते हैं एड पैसेंजर पे करके, तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नाम ऐड कर दिया, देख लीजिए आपको जितना भी मेंबर्स ऐड करना है इस पे आप ऐड कर सकते हो। अगर चिल्ड्रंस है तो इसमें आप ऐड कर सकते हो इजी तरीके से, इस पे क्लिक करके चिल्ड्रंस का नाम भी ऐड कर पाओगे। नीचे में मोबाइल नंबर, पर्सनल जो भी डिटेल है, मतलब कि मोबाइल नंबर मैंने पैसेंजर का यहाँ पे दे रखा है, किसी और का नहीं है, पैसेंजर का यहाँ पे अपना देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये एड्रेस फिल हो चुका है, एड्रेस यहाँ पे पैसेंजर का ही देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड पूछा जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये UPI भीम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सिंपल सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलूंगा आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, UPI भीम से भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल से यहाँ पे प्रीव्यू जर्नी पे जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने के मिल जाएगा, आपका यहाँ पे टोटल निकल आएगा चार्ट की तरह, यहाँ पे आपको रीड करना है। कुछ यहाँ पे गलती तो यहाँ पे फिल नहीं हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, अभी लोडिंग हो जाने के बाद यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, नाम
यहाँ पे एंड जो भी इनका एज है ये सब आपको यहाँ पे क्लियर रीड करना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस जो भी था वो सब आपको मैंने बता ही दिया। प्लस यहाँ पे पेमेंट मेथड यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे 15% जीएसटी के साथ में आपको यहाँ पे लगेगा। नीचे में ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है एंड यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। कैप्चा क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है कैप्चा, आपको ये देखने को मिलेगा BIMA ज्योति आपको देखने को मिलेगा, तो वो यहाँ पे फिल करना है। फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करना है, तो चलिए हम पे कर देते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पे दोबारा एक यस का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए आपको बताया जा रहा है कि आप इसे बुकिंग करना चाहते हो तो इस पे यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है अगर टिकट कैंसिल करोगे तो कम से कम 3 से 5 दिन के अंदर आपका जो भी पैसा रहेगा वो खाते में कर दिया जाएगा, तो यस पे हम क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसीड आ चुका है। यहाँ पे देख लीजिए बताया जा रहा है आप किससे पेमेंट करना चाहते हो। वॉलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए एयरटेल आ गया, पेटीएम आ गया, ICTC का वॉलेट है, MobiQ है या जियो मनी है, या नहीं तो आप यहाँ पे देख लीजिए मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग नीचे में स्क्रॉल करोगे तो मेरे पास ICICI का डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं पे कर सकता हूँ, बट ये मर्चेंट के लिए है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा है यहाँ पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे इस पे आपको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करूंगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डेबिट कार्ड का नंबर, देख लीजिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। लोडिंग हो जाने के बाद डेबिट कार्ड का नंबर, यहाँ पे आपका मंथ ईयर CVP नंबर नाम एंड उसके बाद पे नाउ पे एंड OTP वेरीफाई कर देना, आपका पे हो जाएगा। जैसे ये देख लीजिए मैंने OTP कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो अब देख लीजिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्रोसीड हो रहा है एंड प्रोसीड होने के बाद प्रोसेसिंग यहाँ पे देख लीजिए पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप इस पे आपको क्लिक नहीं करना, अगर आप इस पे क्लिक कर देते हो ना तो अगर 25 तारीख को अगर सीट नहीं रहेगा तो हो सकता है कि उससे एक हफ्ता और आगे आपका सीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अगर आपको 25 को अर्जेंट जाना है एंड सीधे अगले हफ्ते हो गया तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, तो आपको इसे डिलाइन पे क्लिक कर देना है एंड आपका ये जो टिकट है बुक हो चुका है। डेफिनेटली ये देख लीजिए आपका इतना पैसा यहाँ पे चार्ज जो भी है यहाँ पे फी लगा है आपका ये वेटिंग देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 40, 41, 42 एंड 43 आपका ये पेमेंट हो चुका है, आपका सीट यहाँ पे बुक हो चुका है। दोबारा आप चेक करना चाहो तो यहाँ पे माई बुकिंग पे आके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो आई होप आप सबको समझ चुके हो कि कैसे हमें टिकट बुक करना है, कैसे हम अपने मोबाइल फोन का यूज करके खुद टिकट बुक कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे।